हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ वीडियोज आपको दिए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करना है। तो फाइनली पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार देखते हैं। इफ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, देन प्रूव दैट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स है, इसका मतलब यहां पे डेल बाय डेल एक्स है। यहां पे भी देखो डेल बाय डेल वाई है, डेल बाय डेल जेड है। डेल जो दिया है वो पार्शियल डेरिवेटिव को डेल से शो किया जाता है, इसलिए यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई ऐसा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है, अगर कोई फंक्शन के अगर दो तीन वेरिएबल्स है और अगर आप वो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब जब आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना है। उसी तरह से जब आप दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले वेरिएबल और बाकी रिमेनिंग सभी वेरिएबल को कांस्टेंट करना है, और इस तरह से चलना है। तो उसी टेक्निक का यूज करके हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे यू देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यू लिखा है और इज इक्वल टू के राइट साइड में एक्स वाई जेड है। इसका मतलब यू इज अ फंक्शन, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, क्योंकि देखो यहां पे इक्वल्स टू के राइट साइड में एक्स वाई जेड लिखे हैं, तो राइट साइड में हमेशा वेरिएबल होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा फंक्शन होता है। यहां पे यू यू इज अ फंक्शन, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमें यू को डिफरेंशिएट करना है। यू को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स। देन हम वही यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मिलेगा डेल यू बाय डेल वाई। देन वही यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमें मिलेगा डेल यू बाय डेल जेड। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट करो, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे तो x और z को कांस्टेंट करो, और जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे तो x और y को कांस्टेंट करो। और फिर सब कुछ यहां पे सॉल्व होने के बाद तीनों को हम यहां पे ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये जो RHS है ये आता है कि नहीं। तो चलो यहां पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो u दिया है वो हम यहां पे ले लेंगे, तो सॉल्यूशन हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले u हम यहां पे ले लेंगे, u इक्वल्स टू जो दिया है एक्स स्क्योर वाई प्लस वाई स्क्योर जेड प्लस जेड स्क्योर एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर हम वन दे देंगे। और यहां पे हम लिखेंगे, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो हम यहां लिखेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां पे डब्ल्यू आर टी, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, तो हमें ये इक्वेशन नंबर वन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट है, तो हम यहां लिखेंगे बाय कीपिंग y एंड z, यहां पे एक मिनट, यहां पे हम लिखेंगे y एंड z एज ए कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल u बाय डेल x, लेफ्ट साइड में हो गया डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि आप यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो यहां पे हमने लिखे डेल यू बाय डेल एक्स। अब राइट साइड में क्या होगा, देखो यहां पे जहां जहां पे एक्स है सिर्फ वो टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, जहां पे एक्स का टर्म है ही नहीं वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जैसे देखो यहां जो बीच का टर्म है यहां पे एक्स कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि यहां पे वाई भी कॉन्स्टेंट है और जेड भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो यहां पर आ जाएगा जीरो। और यहां पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां एक्स स्क्योर वाई लिखा है, वाई तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एक्स स्क्योर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्योर का डिफरेंशिएशन होता है ट्वाइस एक्स, देखो x स्क्वायर का हो गया ट्वाइस x, और फिर जो y है वो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर का ट्वाइस x इंटू y, तो ये हो गया 2xy। देन प्लस यहां पे है y स्क्वायर z, इसका डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि y और z दोनों कांस्टेंट है, यहां पे x का टर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम जाएंगे तो यहां पे z स्क्वायर x, z स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन, x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया, तो हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई प्लस जेड स्क्योर। तो ये हो गया
इसको इक्वेशन नंबर हम ए दे देंगे। तो फाइनली हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया और अब हमें डेल यू बाय डेल एक्स के बाद डेल यू बाय डेल वाई चाहिए। तो चलो डेल यू बाय डेल वाई के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय कीपिंग एक्स एंड जेड एज ए कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सेम यही स्टेप्स लगेंगी। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाय कीपिंग एक्स एंड जेड एज कॉन्स्टेंट। तो x और z को हम कांस्टेंट रख के यहां पे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा डेल u बाय डेल y। तो हम लिखेंगे डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू राइट साइड में जहां जहां पे y का टर्म है बस वहां पे डिफरेंशिएशन होगा, जहां पे y का टर्म है ही नहीं वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहां पे y का टर्म है x स्क्वायर y, x तो कांस्टेंट है तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देन इनटू y, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, देन प्लस प्लस यहां पे y स्क्वायर z, z तो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y स्क्वायर का होता है ट्वाइस y और z एज इट इज है, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें z के और x, तो z और x दोनों कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो। फाइनली हम यहां पे डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू यहां लिखेंगे, यहां पे बचा x स्क्वायर और यहां बचा ट्वाइस yz, तो ये हो गया, हम इसको इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। तो फाइनली हमें यहां पे ए और बी इक्वेशन हमें मिल गई। देखो इक्वेशन नंबर ए में डेल यू बाय डेल एक्स, इक्वेशन नंबर बी में डेल यू बाय डेल वाई। और अब हमें यही यू को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा वो हम यहां पे लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट, एक मिनट, यहां पे हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और ऐसे में कॉन्स्टेंट क्या क्या रहेगा, एक्स और वाई, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स एंड वाई एज अ कॉन्स्टेंट। तो x और y कांस्टेंट लेके हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u का हो जाएगा डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू राइट साइड में यहां पे x स्क्वायर y, x और y दोनों कांस्टेंट है तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस y स्क्वायर z, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो y स्क्वायर एज इट इज रहेगा लेकिन z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर x, तो x तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा लेकिन z स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस z, तो ये हो गया ट्वाइस z इनटू x। और फाइनली इसको हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू ये तो जीरो, ये वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड एक्स, तो फाइनली ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर सी। तो हमने फाइनली यू के इक्वेशन को हमने तीन बार डिफरेंशिएट कर लिया है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, देन वाई के रिस्पेक्ट में, देन जेड के रिस्पेक्ट में, तीन इक्वेशन हमें मिल गई इक्वेशन नंबर ए बी सी। और अब ये तीनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये जो आर एच एस है वो आता है कि नहीं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर ए बी एंड सी, तो हम यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन, सॉरी ए बी एंड सी, इक्वेशन नंबर ए बी सी तीनों को हमें ऐड करना है, तो तीनों का एलएचएस ऐड करो और तीनों का आरएचएस ऐड करो, तो एलएचएस प्लस एलएचएस, आरएचएस प्लस आरएचएस वो हमें करना है। तो इसके एलएचएस में है डेल यू बाय डेल एक्स, इसके एलएचएस में है डेल यू बाय डेल वाई और इसके एलएचएस में है डेल यू बाय डेल जेड। तो तीनों का एलएचएस ऐड करेंगे तो ये पहले का डेल यू बाय डेल एक्स, देन प्लस डेल यू बाय डेल वाई ये सेकंड का, प्लस डेल यू बाय डेल जेड ये थर्ड का। और अब तीनों का आरएचएस हमें ऐड करना है, तो इसके आरएचएस में है ट्वाइस एक्स वाई जेड स्क्योर, इसके आरएचएस में है एक्स वाई ट्वाइस वाई जेड और इसके आरएचएस में है वाई स्क्योर प्लस ट्वाइस जेड एक्स। तो हम लिखेंगे यहां नीचे लिखेंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है ज्यादा, तो हम यहां लिखेंगे दैट इज ट्वाइस एक्स वाई प्लस जेड स्क्योर प्लस एक्स स्क्योर प्लस ट्वाइस वाई जेड प्लस वाई स्क्योर प्लस ट्वाइस जेड एक्स। तो फाइनली इतना हमने लिखे और अब अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे इसको, हम इसको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक्स स्क्योर वाई स्क्योर जेड स्क्योर एक साथ लिखो, एक्स स्क्योर प्लस वाई स्क्योर प्लस जेड स्क्योर एक साथ हमने लिखे और ट्वाइस वाली टर्म्स एक साथ लिखो, तो ये हो गया ट्वाइस एक्स वाई, यहां पर हम लिखेंगे ट्वाइस वाई जेड और ये है ट्वाइस एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ऐसा लिखे और ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम डायरेक्टली इसके जगह लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम आपको लिख के देते हैं कि सिंस दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई जेड प्लस ट्वाइस एक्स जेड, ये एक
फार्मूला ही है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला, हम यही स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था क्योंकि ये फार्मूला ही सबसे आसान है और ये जो हमें मिला यही हमारा आरएचएस है और ये फाइनली प्रूफ हो गया। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट। तो फाइनली पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ कवर कर लिए और ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी कुछ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे लेकिन वो डिफिकल्ट रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले जो हमने मैट्रिसेस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियोस आपको दिए थे वो आप लोग जरूर स्टडी करिएगा। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के फुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।